सारस यही है जी। होटल कौन सा, किस पर्पस से? ये सारे होटल ही हैं इस लाइन में। दैट्स ए ग्रेट, दैट्स ए ग्रेट, आज मज़ा आ गए। और एक्चुअली मज़ा आने का एक रीज़न ये है कि मैं सोच रहा था कि मैं सबको बताऊंगा कि कोई दिक्कत नहीं हो किसी को, और सब बड़े अपने हिसाब से पहुँचे, कोई भीग नहीं जाए, ये वो, मतलब केयरफुल आदमी। सॉरी, देख लो यही तो। बस ये होता है जब थोड़ा सा दिमाग इधर उधर होता है तो गड़बड़ हो जाती है। मैं रॉन्ग साइड जा रहा था, पता नहीं कहाँ सोच रहा था। एनीवे, बी केयरफुल। तो बात ये है, तो मैं तो सोच रहा था कि सबको थोड़ा सा कहीं कोई भीग नहीं जाए और इस हिसाब से ले जाना है, लेकिन जिनको मैं गाइड कर रहा था वो मेरे से पहले पहुँच गए और मुझको बताया भी नहीं कि हाँ भैया हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। एनीवे, दैट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी इन योर लाइफ, तो सीखना चाहिए इन छोटी छोटी चीज़ों से, कोई इशू नहीं है। और मौसम देखते हुए लग भी नहीं रहा था कि व्लॉग करेंगे, लेकिन उनका तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैं व्लॉग कर रहा हूँ। और हम आज एक मीटअप प्रोग्राम रखा था, लेकिन बारिश ने सब धो दिया है और अब खाली बस एक राइड हो गई है, और राइड हो रही है तो कोई बात नहीं है, कैमरा भी लगा लेते हैं, गोप्रो थोड़ा बहुत तो वाटरप्रूफ है ही, तो इतना तो चल जाएगा। बाकी और कोई सीन नहीं है, बाकी देखते हैं कि कौन कौन वहाँ पर मिल जाता है हमको, और थोड़ा बहुत बातचीत कर लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे, विचार लेंगे, आगे की कुछ कोई प्लानिंग हुई तो कर लेंगे। इससे पहले भी एक ब्लॉग मैं टी लैंड पर बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक दे दूँगा मैं, आप जाके देख लेना, बहुत शानदार है। उस समय मैंने ड्रोन शॉट भी लिए थे। और बारिश हो रही है, ठंडक हो गई है मौसम में, और ये इतनी अच्छी बात है क्योंकि गर्मी से काफ़ी परेशान थे हम लोग। तो आज का मीटअप तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक्चुअली बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो घर से तो निकले थे कि नहीं होगा शायद, लेकिन लोगों का प्यार देखकर थोड़ा सा इमोशनली हो गए हम, क्यों एक्चुअली इतने लोग आ चुके हैं यहाँ पे, जिसमें से हमारे करीब 4-5 तो अपनी ही कैटेगरी में, अपनी फैमिली में यूट्यूबर्स हैं, बाकी अपने चाहने वाले हैं, और ये फैमिली और बढ़ती रहे ऐसा हम सोच रहे हैं। और मीटअप के नाम पर ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्यार है और आपस में मिलना जुलना हो जाता है। तो मैं अभी एक एक करके कुछ लोगों से तो आपको मिला ही देता हूँ जो आए हैं आज हमारा प्यार देख कर। और आपसे भी प्रार्थना करेंगे अगली बार कभी भी मीटअप करें तो आप ज़रूर आएँ। तो हमारे बगल में बैठे हुए हैं भरतपुर राइडर, इसके बाद ये भैया बताएंगे नाम। अच्छा, ये भैया गेरा, ये गेरा, गेरा साहिल का भाई होता है। संस्कार, कैसे संस्कार? ये भैया के जय। इनसे मिल लो आप, ये यूट्यूबर हैं और उभरते यूट्यूबर हैं, दोज इंडियन सिस्टर, इंडियन सिस्टर। और ये विलेज पर वीडियो इन्होंने बनाई, वो मैंने सुबह ही देखी थी, उस पर मैंने कमेंट्स भी किया था, मुझे बहुत शानदार लगा क्योंकि मैं गांव में रहना मैं भी पसंद करता हूँ, बहुत शांत प्रिय एरिया। इनके गांव का विजिट करेंगे एक बार, आपको बिल्कुल ले चलेंगे, बिल्कुल लेके चलेंगे, श्योर हो गया। और ये हरिंदर HSR ब्लॉगर, और ये हमारा साहिल भाई। तो एक्चुअली प्लान बढ़िया किया था, और इसको तो आप जानते होंगे, एक आध बार शादी में देख चुके होंगे आप। तो एक्चुअली टी लैंड पर हम ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं, वो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसको जाकर देख लेना। आज थोड़ा सा नाइट हो गई तो आज ड्रोन शॉट का तो कोई प्रोग्राम है ही नहीं, सिर्फ ब्लॉगिंग करेंगे और मीटअप है, थोड़ा बहुत चाय वाय कुछ खा पी लेंगे और सबसे बोल बतरा लेंगे, और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे और कंटेंट ला सकें, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, आगे की कोई प्लानिंग हुई तो उसको डिसाइड कर लेंगे। बाकी आप लोगों का प्यार हमारे साथ यूँ ही बना रहे और हमको इस तरीके से आप प्यार देते हो। आज थोड़े से कम लोग आ गए हैं, थोड़ी सी बारिश हो गई है, बारिश कम होती तो 100% ज़्यादा आते, और थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए था, हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन मौसम आज सुबह से ही, शाम से ही थोड़ा सा डाउन हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, आगे फिर ऐसे मौके आते रहेंगे, मिलेंगे कहीं ना कहीं, कहीं नई लोकेशन मिलेंगे। मैंने अपनी अब की बार तो टी लैंड इसने डिसाइड कर लिया, साहिल ने प्रोग्राम साहिल ने ही बनाया था, और अगली बार कोई नई लोकेशन पर रखेंगे, क्यों साहिल के टी लैंड पर नहीं रखेंगे, अगली बार कोई नई लोकेशन को दिखाएंगे, जिससे लोकेशन भी देखो आप और ब्लॉग भी अच्छा मिले आपको।
चलिए तो एक बार चाय वाय मंगा लेते हैं, पी पा के फिर निकलते हैं, क्योंकि बारिश भी ज़्यादा बढ़ती गई तो और दिक्कत आई। मैं बाइक से आया हूँ, ये कार से आया है, ये ज़्यादा डेढ़ हो जा रहा है, इसको समझाना पड़ेगा। मेरे को बोला कि आ जाना, खुद 6 बजे से बैठा है, मैं आया 6:30 बजे। गलत बात, मेरे ना 800 मीटर भी दूर नहीं हो, मेरे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है भाई। कार से 5 किलोमीटर और 800 मीटर को भरा क्या, पागल बना रहा है। तो जी मीटअप हो गया एंड, और काफ़ी अच्छे लोग मिले आज हमको, वास्तव में बड़ी खुशी हुई। और एक काफ़ी छोटी है मेरे से तो सिस्टर है, इसका चैनल है बहुत शानदार है, और सबको इंट्रोड्यूस किया है एक दूसरे में। साहिल भैया मीटअप रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी यूट्यूबर्स जितने भी आए हैं, जितने भी सपोर्टर हैं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नाश्ता पानी जो किया, इसके पर खर्चे उड़ाई दिए, सब ने खा पी के काफ़ी चिल किया है, इन्जॉय किया है। और अब घर की तरफ निकलते हैं, बारिश बंद हो चुकी है, और सीधा फिर घर पे मिलता हूँ, और वहाँ पर ब्लॉग का एंड करेंगे। तो चलिए अब सीधा चलते हैं बाइक पे। निकलने का टाइम हो चुका और अब हम हो गए रेडी बाइक पर, और अब चलते हैं। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे घर पहुँचने में हमें। तो लो जी, हम आ गए हैं घर, और अभी बाहर बूंदाबांदी हो रही है। तो सबसे पहले आते ही मैंने अपने सारे इक्विपमेंट, कैमरा वैमरा जो भी था, निकाल के बाहर सुखा दिए हैं। हेलमेट में से गोप्रो निकाल कर बाहर रख दिया है, और अभी सारा डाटा इसमें लेंगे कंप्यूटर में, और इसमें करेंगे एडिटिंग। और व्लॉग अभी नहीं, सुबह मॉर्निंग में 9:00 पर आ जाएगा, आप जरूर देखना। मीटअप के बारे में थोड़ा सा यही बताना चाहूंगा, मीटअप बहुत शानदार रहा। कुछ 4-5 के आसपास हम यूट्यूबर्स थे, और बाकी के हमारे सब्सक्राइबर थे, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। ये भरतपुरम पहला ऑर्गेनाइज मीटअप था, इससे पहले एक अनएक्सपेक्टेड मीटअप था, वो मैं लिंक डाल दूंगा आई बटन में, आप जाके देख सकते हैं। वो अचानक वहाँ कुछ लड़के मुझे मिल गए और उनसे थोड़ी बातचीत हो गई, लेकिन ये ऑर्गेनाइज था, बहुत अच्छा रहा, अच्छा लगा लोगों से मिलकर, आपका प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा। और कोशिश करूंगा एक फिर मीटअप दोबारा करें और ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।